आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के पहले इकोलॉजिकल मूवमेंट की, पर्यावरण को बचाने के लिए। ये एक एनवायरमेंट मूवमेंट था, बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं लेकिन यहां से शुरुआत हो गई थी। ये मूवमेंट का मसाकर ज्यादा था, यहां पे लोगों को जान से मार दिया गया था। आज के आजाद भारत में तो ऐसी कोई चीज हमको देखने को नहीं मिलती कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसको जान से मार दिया जाए। लेकिन ये 1730 की बात है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनके अगेंस्ट विरोध करते हैं, मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर पेड़ों को हम काट देंगे तो हम बर्बाद हो गए, हम गए काम से, इंसान इंसान को ही खत्म कर देगा। पेड़ जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो जहर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। तो पेड़ खुद जहर लेके हमको जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो वो तो भगवान हो गए। और पेड़ों को तो भगवान का दर्जा मिला ही है, लिविंग है, बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनको काट देते हैं। ठीक है, लकड़ियां चाहिए काट दो, घर बनाने हैं पेड़ काट दो, सजावट के लिए पेड़ काट दो, शहर बनाने के लिए पेड़ काट दो, डैम्स बनाने के लिए नदियों का रुख मोड़ दो, पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं दोस्तों। और इसका एक नमूना अभी हमने देखा था जब केरल में बाढ़ आई थी। देखा था ना कि इतने सालों से रिपोर्ट्स में बार बार बोला जा रहा है कि भैया वेस्टर्न घाट्स को बचा लो, पेड़ मत काटो, शहर मत बनाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद कर दो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। देखिए बाढ़ आ गई। आपको एक और खतरनाक चीज बताता हूं कि शायद 10 से 15 साल बाद हमको पानी भी नहीं मिलने वाला। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, देखिए क्या पानी का जो, जब पानी गिरता है तो कैसे, मतलब ये जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है, सबसे ज्यादा इन द सेंस कि हम ग्राउंड वाटर को ही निकाल सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम नदी में जाके पानी निकालेंगे, नहीं ना, ग्राउंड से ही निकालते हैं वो पूरा मोटर लगा के। और ये इसका लेवल जो है ना वो गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? ये जो हम शहर बनाते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, यहाँ पे पोरोसिटी कम होती जा रही है, पानी जो बरसता भी है वो अंदर जा ही नहीं पाता है, ऊपर से हम पानी निकालते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा ना उस दिन हम इतना कुछ खो चुके होंगे एकदम, अब क्या बताएं। लेकिन खैर, हम बिश्नोई मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और ऐसी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, डराता रहूंगा भैया, लेकिन अवेयर होइए। सेट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने हर एग्जाम्स को कवर किया, स्टडी आईक्यू के टैबलेट पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं, आप इन एग्जाम्स को अवेल करिए, एग्जाम्स को नहीं सॉरी, इन कोर्सेज को अवेल करिए, आराम से घर बैठ के नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो हम हैं, हमसे पूछिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर भारत के कुछ मूवमेंट्स की बात करें, खुशखबरी ये है कि इनमें से ज्यादातर मैंने कवर किए हैं, तीन बचे हुए हैं उसको मैं बहुत ही जल्द कवर कर दूंगा। ये कुछ मेजर मूवमेंट्स हैं, ऐसे मूवमेंट्स एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट बचाने के लिए, इकोलॉजी बचाने के लिए, जिसने भारत की दिशा बदल दी। सबसे पहला आज हम कवर कर रहे हैं बिश्नोई मूवमेंट। चिपको मूवमेंट पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं, देख लीजिए, बहुत कुछ मालूम चलेगा। सेव साइलेंट वैली का पिछले ही हफ्ते मैंने लेक्चर बनाया है कि भैया केरल में किस तरीके से बोला जा रहा था साइलेंट वैली, जो खूबसूरत नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है, केरल में है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे बोला जा रहा था कि डैम बना दो नदी के ऊपर, जो वहां पे कांतिफूजा नदी निकलती है, और उसके बाद उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी के लिए यूज करो, और फिर तमाशा देखो बैठ के जब पूरी की पूरी वैली ही डूब जाएगी। वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इस पे स्टे लगा। उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन, दोस्तों ये मैं कवर कर दूंगा, बिहार से शुरू, ये सब मैं पूरा कवर कर दूंगा। ये जंगल बचाओ आंदोलन को मैंने कवर नहीं किया है, एपिको मूवमेंट को मुझे कवर करना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है दोस्तों, मेधा पाटकर क्या एक्टिविस्ट थी, उन्होंने कमाल का काम किया है इस आंदोलन में, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक पूरा सेपरेट लेक्चर मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद तिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट, ये तो ये तीन जो है, जंगल बचाओ आंदोलन, एपिको मूवमेंट, तिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट, इसी महीने आ जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए, कोई भी एग्जाम्स के लिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, और भैया नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए। प्रॉब्लम यह है कि हम सारे टॉपिक्स आजकल हो क्या गया है कि हम सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम रटने के लिए पढ़ रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं कि मतलब अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको रट लो, हम उसके डीप में नहीं जा रहे, हम समझ नहीं रहे, हम बस पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रहना तो इसी दुनिया में है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगर बिश्नोई समाज की बात करें तो ये एक हिंदू रिलीजियस सेक्ट है। 1485 में इसको खोजा गया, किसने खोजा, गुरु जाम्बेश्वर, जी हाँ, जिनको जाम्बा जी बोला जाता था, राजपूत फैमिली में अच्छी खासी वेल्दी फैमिली थी, ये पैदा हुए थे 1451 में, और उसके बाद इन्होंने पूरा पूरे देश में भ्रमण किया और फिर अपनी टीचिंग्स को इन्होंने फैलाया। दोस्तों ये मानते थे भगवान हर जगह है, हर जगह भगवान है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं भगवान बसता है एनिमल्स में बसता है, प्लांट्स में बसता है, वो बेजुबान है, उनको मत मारो। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि चलिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, हो सकता है बहुत लोग बोलेंगे ये अंधविश्वास है, लेकिन ये साइंटिफिक है, ठीक है, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता जो साइंटिफिक ना हो, ठीक है, और मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूं क्योंकि मैं एक खुद भी साइंस स्टूडेंट हूं, फिजिसिस्ट हूं, ठीक है। आपको पता है कि इफ एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू देन यू आर गिफ्टेड, बिल्कुल सही। अगर आप एनिमल्स जो हैं, डॉगीज होते हैं, वो आपको देखते ही पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं आपके पास, इसका मतलब आप गिफ्टेड हैं, आपके पास एनर्जीज है, स्पेशल एनर्जीज है, मतलब यू आर कनेक्टेड विथ नेचर, आप स्पेशल चाइल्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बोलते थे गुरु जाम्बेश्वर कि जानवरों को बिल्कुल बचाओ, बिल्कुल उनका मांस नहीं खाना, उनकी किलिंग्स बंद करो, ये तक बोल दिया था कि ब्लू कपड़ा भी नहीं पहनो, क्योंकि ब्लू जो ब्लू कलर होता है वो भी डाई से बनता है, वो भी पेड़ों को काट के, वो बिल्कुल भी, ये सब बिल्कुल बंद कर दो, पेड़ों को काटना बंद कर दो, उनको उनकी मूल उनकी मेन टीचिंग्स में ये था। तो यही बिश्नोई समाज, भाई देखो जैसा गुरु होता है, जैसी वो एजुकेशन देगा अपने शिष्यों को वैसे ही शिष्य होंगे, तो इनकी टीचिंग्स में ही यही है कि बायोडायवर्सिटी को, पूरे यूनिवर्स को बचा के रखो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगी। प्रिजर्व बायोडायवर्सिटी, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दो, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को जब यूज किया जाता है, फाइबर, मिल्क, एग्स, ठीक है, उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसको बढ़ावा दो, और उसके बाद फिर नेचर को प्रोटेक्ट करो, ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो फिर अपने आप भगवान जो है वो प्रसन्न होंगे। 29 इन्होंने रूल्स बनाए थे, 29 कमांडेंट्स दिए थे जो इनके शिष्य फॉलो किए, ठीक है। रिलीजियस सेक्ट था, याद रखिएगा ये दोस्तों, जिसमें से पहला 10 तो ये बोलता है कि भैया बिल्कुल साफ सुथरे रहो। अब आजकल मैंने देखा है कि ठंड आ गई है, आराम से लोग उठते हैं 9 बजे और उसके बाद बोलते हैं क्या नहाना, छोड़ो यार, अरे यार ऐसा मत करो, सुबह सुबह सबसे पहले फ्रेश हो, बढ़िया एक बात लो, ठीक है, और उसके बाद अच्छे से फ्रेश होके निकलो। तो 10 तो यही बोलते हैं कि पर्सनल हाइजीन और एक अच्छी गुड हेल्थ बना के रखो, उसके बाद 7 बाकी के साथ सोशल बिहेवियर एक अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी में सस्टेन करने के लिए अच्छे से सबसे बिहेव करो, उसके बाद 4 जो है वो बोलते हैं भगवान की पूजा करो, और 8 जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि भैया बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करो, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाओ, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाओ। तो ये चीज है। अब दोस्तों ऐसा है, कहानी शुरू होती है 1730 में। वैसे बता दूं बिश्नोई मूवमेंट, ये जो पूरा फाइंडिंग्स है, ये जोधपुर राजस्थान में हुई थी। तो 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने ये बोला कि हम एक नया पैलेस बनवाएंगे और उस पैलेस के लिए, उस महल के लिए हमको चाहिए लकड़ियां। लकड़ियां कहां से मिलेगी, बगल में जंगल है, खेजरी ट्रीज है, उन सबको काट के ले, ठीक है। होता है ना कि जब खूबसूरत मकान बनाना हो, लकड़ी के तख्ते लगवाने हो, बड़ी बड़ी अलमारियां, तो आपको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लकड़ी कहां से आएगी, पेड़ों से आएगी, इसीलिए पेड़ों को काटा जाता है। तो पेड़ों को ले आओ, बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें करेंगे। अब ये रॉयल ऑर्डर्स थे, ये कोई भी मना तो करेगा नहीं। तो सैनिक गए, बगल में जंगल था, वहां पे चले गए, बगल जंगल के बगल में गांव था, और उस गांव में जब पता लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे गुरु ने बोला है कि ये पेड़ों को बचाओ, बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करो, और ये यहां पे आके सारे पेड़ों को काटने वाले हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमृता देवी दौड़ते हुए आई और जब उन्होंने देखा कि सोल्जर्स पेड़ काट रहे हैं, वे पेड़ों से चिपक गई। आपको पता है बिश्नोई मूवमेंट
बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट दोस्तों मैंने डिस्कस किया था, चिपको मूवमेंट भी ऐसे ही था, उत्तराखंड के गोपेश्वर से शुरू हुआ. जब वहां पे पेड़ों को काटने लोग आए थे, सब लोग पेड़ों से चिपक गए थे, गले लगा लिया था, लेकिन वहां पे किसी की हत्या नहीं हुई थी. यहां पे 363 बिश्नोई को मार दिया गया था. इसको खेजरली मसाकर भी बोला जाता है दोस्तों, वैसे मैंने बोला ना ये मूवमेंट कम मसाकर है, ठीक है ना. यहां पे हत्याकांड शुरू हो गया था. देखिए उस समय क्या होता था कि मोनार्की में क्या होता है कि राजा कोई ऑर्डर दे देता है तो आप बिल्कुल भी उसको नकार नहीं सकते. आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या होता है कि जो राजा बोलेगा वही करना है. अगर उसने बोला गला काटना है तो गला काट दो, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई नैतिकता नहीं. तो यहां पे यही चीज हो रही थी. राजा ने बोला पेड़ों को काट दो, अमृता देवी आई, चिपक गई पेड़ों से कि बिल्कुल भी नहीं काटने देंगे, पेड़ हमारे भगवान है, हमको काट दो, पेड़ों को काटना है तो पहले हमारा सर काट दो. सर काटने स्टार्ट कर दिया. आपको पता है जितने विलेजर्स आए उनके सर काटे पहले, उसके बाद पेड़ों को काटा. 363 बिश्नोई को देखते देखते उनके सर काट डाले गए, इतना खतरनाक कंडीशन थी. उसके बाद जब अभय सिंह को यह बात पता चली, जो कि महाराज थे, उनका मूड खराब हुआ. उन्होंने कहा कि यह क्या बकवास है, ऐसा क्यों किया भैया, भारत में तो ऐसा, मतलब ऐसा तो कोई राजा हुआ नहीं है जिसने, जो पागल हो, ठीक है अगर हम बात करें यूरोपियंस या उनका जो इतिहास रहा है, लेकिन भारतीय हमेशा से टॉलरेंट रहे हैं. तो जब महाराज को यह पता चला कि ऐसा है और उनके सोल्जर्स ने ऐसा कर दिया, तो उनको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया. और उसके बाद वो तुरंत गए, उन्होंने बोला बस करो, कोई भी पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है. उसके बाद लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 363 बिश्नोई को मार दिया गया था. लेकिन दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है, देखिए आप, मतलब आप सोच के देखिए जरा कि अगर हमारे सामने ये बिल्कुल, हम आजकल ऐसा होता है कि कोई पेड़ अगर काटे जा रहे हैं तो इतनी हिम्मत नहीं होती किसी में भी, ठीक है, कि वो रोक ले, है ना. आजकल की अगर बात करें, पेड़ को काट दिया जाता है ना, अपनी जान की परवाह ना करके पेड़ों को बचाना रिमार्केबल. और ये उस समय की बात है, 1730 की बात है दोस्तों. तो ऐसा मसाकर हुआ था और जब राजा को पता चला, राजा ने फिर वहां पे उनको बोला कि नहीं नहीं बिल्कुल स्टॉप करो, और उसके बाद एक सिंबॉलिकली उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया गया. और आपको पता है कि हर साल सितंबर में बिश्नोई असेंबल इकट्ठा भी होते हैं ताकि सेक्रीफाइस को वो मतलब उस पर मौन कर सके, ठीक है. तो ये भी चीज़ है. लेकिन दोस्तों यही चीज़ है, जो लोग इन्वायरमेंट के लिए सोचते हैं वो कुछ भी नहीं सोचते, वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. तो ये कहानी थी दोस्तों बिश्नोई मूवमेंट की, जब 363 बिश्नोई ने इन्वायरमेंट को, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी. तो ये चीज थी. अब दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, ये 7 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, ठीक है, भारत के, जिसमें से मैं 4 तो कवर कर चुका हूं, ठीक है. बिश्नोई मूवमेंट आज कवर कर दिया, चिपको मूवमेंट हो गया, सेफ साइलेंट वैली हो गया, और नर्मदा बचाओ. बाकी ये जो जंगल बचाओ आंदोलन है, ये को एपिको, और तिहरी डैम, ये भी, इसकी भी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों. डैम्स को लेके हमारे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है और होना भी चाहिए. अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस ना हो तो जो बची कुची इन्वायरमेंट की चीज है ना, वो भी सब, ये सब जो सरकार है वो लेके जाए, क्योंकि हर पॉलिटिशियन एक ही होता है, आपको बता दे रहे हैं. इसीलिए तो बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखो को आना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये 3 जो आंदोलन है मैं बहुत जल्द कवर कर दूंगा, और ये 4 को आप देख लीजिएगा. एक तो आपने आज ही देख लिया है, बाकी 3 को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए. भैया पेड़ों की बात है, शेयर जरूर कर दिएगा. दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ. क्विक रिमाइंडर, सारे कोर्सेज हैं, अवेल करिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए.